कलर्स के सीरियल शक्ति में बढ़ गई है सौम्या की परेशानी। एक तो वेदांत जेल से भागकर बाहर आ गया है, अपनी बेटी हीर की सुरक्षा के लिए वो परेशान है और इसीलिए उसने अपने तीनों बच्चों के लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया है जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। तो वहीं दूसरी तरफ वेदांत ने भी किन्नर का रूप धारण कर लिया है ताकि पुलिस वाले उसे पहचान न सके और अब किन्नर बनकर वो किन्नरों की टोली में शामिल हो गया है क्योंकि उसे पता है कि सौम्या सबसे पहले मदद के लिए अपने साथियों के पास ही आएगी। वेदांत के पास ये प्रॉब्लम थी कि उसके पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी, पुलिस उसके पीछे है, हरक सिंह उसके पीछे है, पूरा शहर उसके पीछे है एंड उसके बाप ने उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो ही हैज नो वे टू गो। उसे है कि पुलिस पकड़ लेगी, नहीं ही विल गो बैक टू जेल और उसे जेल नहीं जाना। तो उसने सोचा कि अब दिस इज़ दी ओनली प्लान जो सक्सेसफुल हो सकता है कि मैं एक किन्नर बन के किन्नरों के साथ रहूं और उन्हीं के घर में रहूं और मुझे सारी अंदर की चीज़ें भी पता चलती रहें और मुझे कोई पकड़े जाने का डर भी ना हो, तो इसलिए इस गेटअप में आया है। और हाँ, मतलब काफ़ी डिफरेंट है, इट्स नॉट ईजी टू वेयर अ साड़ी एंड शूट, स्पेशली आपको मैनरिज्म चेंज करने पड़ते हैं और वॉइस में हल्का चेंज करना पड़ता है एंड तो हाँ, मतलब जब पता चला था तो आई वाज लिटिल नर्वस एंड बहुत कुछ सोच विचार कर रहा था कि कैसे करूँ नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आई वाज स्कैर्ड। बट एज एन एक्टर यू टेक चैलेंजेस और मुझे लग रहा था लोग मजाक उड़ाएंगे या कुछ ऐसा, बट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपना प्रोमो शेयर किया है एंड इवन इफ़ यू गो थ्रू ऑल दोज कमेंट्स एवरीवन इज़ लविंग इट, सो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, व्हाटएवर यू डूइंग इट्स राइट एंड पीपल आर लाइकिंग इट, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी की यू नो ऐसा कैरेक्टर पुल ऑफ करना, अगर मैं थोड़ा सा भी पुल ऑफ कर पा रहा हूँ सो आई थिंक आई फील गुड अबाउट इट। और अब कॉन्फिडेंस और आ गया, अब जो भी सीन्स आएंगे सो आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ दैन दी स्टार्ट, बट हाँ मेरे लिए एक टोटली डिफरेंट था विच आई एम एंजॉइंग राइट नाउ। ठीक है यार, लोगों को हंसना है हंसो, आई डोंट केयर, इट्स माई जॉब एंड आई नीड टू डू इट सीरियसली एंड विद ऑल माई ऑनेस्टी और वो मैं कर रहा हूँ। भाई सौम्या को पाने के लिए वेदांत ने अपनी नज़र हीर पर गड़ा रखी है, तो वहीं सौम्या ने भी बॉडीगार्ड के साथ साथ किन्नरों को भी ये आदेश दे रखा है कि वो उसकी बेटी हीर पर नज़र रखे ताकि वेदांत उसकी आसपास कहीं आ ना सके, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी टोली में ही शामिल होकर वेदांत अपने षड्यंत्रों को अंजाम देगा और इस बात से अनजान तो बॉडीगार्ड अर्जुन भी है जिसे वो सौम्या का साथी समझकर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जी हाँ, बेसिकली सौम्या को स्टॉक नहीं कर रहे थे, सारे किन्नर हीर को स्टॉक कर रहे थे सो दैट उन्हें हीर को वेदांत से खतरा ना हो, वेदांत आके उसे उठा ना ले, पर उन्हें पता ही नहीं है कि वेदांत उनके साथ है। तो वही स्कूल में भी सबके सामने हीर के किन्नर होने की सच्चाई आ गई है और जब सौम्या अपनी सफाई देने के लिए हीर के स्कूल में पहुँचती है तो स्कूल की टीचर उसे ही धक्के मार कर बाहर निकाल देती है और साथ ही साथ उसके बच्चों को भी।